नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानने वाले हैं जो कि 33/11 केवी के सबस्टेशन का है। यानी कि ये एक ऐसा सबस्टेशन है जो कि 33 केवी लाइन को 11 केवी लाइन में चेंज करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो पैनल है ये उसी का पैनल है। इसके बारे में आज हम समझेंगे किस तरह की रिलीज इसमें लगी होती है, किस तरह के मीटर इसमें होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि 33 केवी कंट्रोल रिले पैनल फॉर ट्रांसफार्मर, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर जीएसएस में लगा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारा पैनल बनाया हुआ है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए, रिले स्विचिंग सर्किट के लिए, उसमें उसकी रीडिंग लेने के लिए कितनी रीडिंग है, कितना करंट है, कितने एम्पियर इसमें चल रहे हैं, ये सारी रीडिंग लेने के लिए ये जो है पैनल बनाया गया है। ये असल में दो ट्रांसफार्मर के लिए है, ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2। आप लोग देख सकते हैं, परंतु दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही अभी ट्रांसफार्मर है तो हम ये सिर्फ एक ही रीडिंग ले रहा है। दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए, किलोवाट देख लीजिए। सबसे पहले ये जो है 33 केवी लगभग इसमें हमें दिखा रहा है, और ये इसका स्विच है। यानी कि इस स्विच से हम, ये जो स्विच है इससे हम फेज के अंदर कितनी वोल्टेज है, न्यूट्रल और फेज के अंदर कितनी है, फेज टू फेज कितनी है। अभी ये जो दिखा रहा है ये बी फेज और आर फेज के बीच में हमें वोल्टेज दिखा रहा है जो लगभग 33 के करीब है। इसे जब हम चेंज करेंगे जैसे वाई बी पे, तो वाई बी की हमें ये दिखाएगा। इसी तरह से यहां पर जो है ये अमीटर है, कितना करंट उसमें चल रहा है। तो फिलहाल ये अभी ऑफ कंडीशन में है, इसके कनेक्शन शायद तक नहीं किए हुए। अपने इसको पीछे से भी देख लेंगे तो ये भी स्विच जो है अलग अलग फेज में करंट चेक करने के लिए, जैसे बी फेज में करंट चेक करने के लिए है, वाई फेज में, और इसी तरह से आर फेज में करंट चेक करने के लिए हम स्विच को घुमा सकते हैं। इसी तरह से ये एक और है जो कि दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए है। ये आप इंडिकेटर देख लीजिए, ये तीनों इंडिकेटर आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों फेज हमारे अभी ऑन है, आर वाई बी। ठीक है, और यहां पर ये इंडिकेटर है जो कि अलग अलग प्रोटेक्शन को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि ब्रेकर ऑफ, अगर ब्रेकर ऑफ है तो ये हमारा ये इंडिकेटर शो करेगा। ये यहां लिखा हुआ ब्रेकर ऑन, मतलब कि अभी ये ऑन कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इंडिकेटर है ये है ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज, यानी कि आपका जो ये ब्रेकर है ये भी स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है या नहीं है। दोस्तों स्प्रिंग चार्ज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, हमारी वीसीबी की एक वीडियो है उसमें बताया गया है कि स्प्रिंग चार्ज कंडीशन क्या होती है और कैसे इसको चार्ज किया जाता है। उसके बाद में ब्रेकर ऑटो ट्रिप, अगर ये अपने आप ट्रिप हो जाए किसी फॉल्ट के कारण तो ये इंडिकेटर हमें शो करेगा। उसके बाद में ये देख लीजिए, ये इसके स्विचेस हैं, जितने भी बाहर जो ब्रेकर लगा हुआ है, जो मेन ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है उसे क्लोज या फिर ट्रिप कराने के लिए। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसे हमें नहीं छेड़ना। ये आप लोग देख लीजिए दोस्तों, कई प्रकार की इसमें प्रोटेक्शन रिले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग को मैं बता देता हूं, ये मीटर्स है रीडिंग लेने के लिए, जितनी ये एक तरह का ऊर्जा मीटर है रीडिंग लेने के लिए। उसके बाद में ये आप लोग इसकी रिले देख लीजिए, इसमें तीन प्रकार की कुछ रिले लगी हुई है। आप लोग फर्स्ट रिले देखिए, इसमें लिखा हुआ हाई स्पीड ट्रिपिंग रिले, मतलब कि जल्दी से सर्किट को ट्रिप करवाने के लिए ये जो रिले है काम में आती है, ऑटोमेटिकली ये जो रिले है ट्रिप हो जाती है। इसकी जो रेटिंग है उसकी रेटिंग से ज़्यादा अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो ये ट्रिप हो जाती है। उसके अलावा ये एक दूसरी रिले है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डीसी अंडर वोल्टेज रिले, यानी कि हमारे जो डीसी वोल्टेज है अगर वो कम हो जाए, अंडर वोल्टेज हो जाए, तो ये जो रिले है हमारी स्विच करेगी और हमारा जो सर्किट है उसको क्लोज कर देगी। हाई स्पीड ट्रिपिंग रिले, ये भी हाई स्पीड ट्रिपिंग रिले है, ये देख लीजिए इसकी रेटिंग जो है 110 वोल्ट डीसी है। अब दोस्तों ये जो 110 वोल्ट डीसी है इसके लिए हमें स्पेशल पावर बैंक रखना पड़ता है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। दोस्तों ये जो कंट्रोल पैनल है, जितने भी इसमें एमीटर है, वोल्ट मीटर है, या फिर जितने भी इसके अंदर सर्किट लगे हुए हैं, वो डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। अगर ये बैटरी बैंक हमारा मतलब किसी कारणवश खराब हो जाए तो हमारा कंट्रोल पैनल काम नहीं करता, फिर हमें इसे मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है बाहर से। किसी ब्रेकर को हमें स्विच कराना हो तो मैन्युअली फिर हम करवाएंगे।
इसके अलावा भी इसमें अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार की रिले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रिले है ऑक्सिलरी रिले है 130 AB, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन डिवाइस है। OCEF रिले, ये भी एक प्रकार की रिले है। दोस्तों ये जितनी भी रिले आप देखेंगे सारी की सारी इन्हें वर्किंग करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। और ये भी एक तरह की ऑक्सिलरी रिले है। उसके बाद में आप लोग नीचे देख लीजिए, नीचे भी एक और ऑक्सिलरी रिले है। उसके साथ साथ ये ट्रिप सुपरविजन रिले भी यहाँ पर है। ये रही ऑक्सिलरी रिले। उसके बाद में यहाँ पर एक और ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है। उसके बाद में फिर से एक ऑक्सिलरी रिले है। तो ये सारी जितनी भी रिले है इन्हें वर्किंग करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो वो जो डीसी सप्लाई है हम बैटरी बैंक से यहाँ पर इन्हें देते हैं। अगर दोस्तों बैटरी बैंक हमारे पास नहीं हो तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है पूरा ही वर्क नहीं करेगा, हम किसी की भी रीडिंग चेक नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से ये इसका मस्तिष्क है, जो कंट्रोल पैनल है पूरे GSS का एक मस्तिष्क है, CPU इसको बोल सकते हैं, कि इसी के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसके पीछे से भी मैं दिखा देता हूं, इसे खोल करके अपने देख लेते हैं। दोस्तों इसको पीछे से मैं पूरा तो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोस्तों जो इसे रिपेयर करता है वही इसके बारे में अच्छे से जानता है। आपको मैं दिखा सकता हूं, ये देखिए। तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए, ऊपर जो कनेक्शन खाली पड़े हैं ये एमीटर के कनेक्शन है, यानी कि इसमें जो एमीटर लगा हुआ है उसके कनेक्शन अभी नहीं किए हुए, तभी वो वर्क नहीं कर रहा। ये आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर कई तरह के हूटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक हूटर भी है, इलेक्ट्रॉनिक बेल है, इलेक्ट्रिक बजर भी है। तीन प्रकार के यहाँ पर हूटर या फिर बजर लगे हुए हैं। ये अलग अलग पार्ट पड़ने पर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है जो कि लगभग 50 वाट की है यहां पर लगी हुई। उसके बाद में ये इसके इंडिकेटर है, अंदर से देख लीजिए जी, अंदर से देख लीजिए किस तरह से दिखती है। ये इसके स्विचेस है सारी, आप वायरिंग देख लीजिए कितने सुव्यवस्थित ढंग से की गई है, मतलब इतनी सारी वायर को इतने अच्छे तरीके से लगा रखा है। ये देख लीजिए, ये भी रिले है यहां पर, ठीक है। ये प्रकार के स्विचेस लगे हुए हैं थर्मल, तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और पैनल यहाँ पर लगा हुआ है जो कि फीडर के लिए है। ये जो था ये ट्रांसफार्मर के लिए है और ये फीडर के लिए है। तो दोस्तों इसमें वोल्ट मीटर नहीं है, एमीटर इसमें लगा हुआ है। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा ये है ना, सेम टू सेम ये भी वैसा ही है, लगभग कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। बट जो इसमें जो प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है उनमें फर्क है, आप लोग देख लीजिए। बस इनका मेन काम एक काम तो होता है कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करना, फीडर की प्रोटेक्शन करना, किसी तरह का कोई फॉल्ट आए तो ये ऑटोमेटिक ट्रिपिंग अवस्था में चला जाता है और हमें इंडिकेट कर देता है या फिर किसी हूटर द्वारा हमें संकेत दे देता है कि हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई लाइन के अंदर फॉल्ट आए हैं। दूसरा काम इसका ये है कि हम इससे रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं, कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट है, ये सारी रीडिंग हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के इसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं, रिले लगी होती है, इसी की वजह से सारा जो GSS है वो वर्क करता है। चलिए इसे भी मैं आपको खोल करके दिखा देता हूं। इसके साथ साथ ये आप लोग देख लीजिए, डिस्क इंसुलेटर यहां पर पड़े हैं।
चलिए मैं इसे भी खोल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सेम ही है, लगभग कोई फर्क इसमें नहीं है, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों इतना बड़ा डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक वायर का भी कुछ भी पता नहीं रह पाता कि कौन सी वायर किस चीज की है। बट जब इसे रिपेयर करना हो तब हमें कुछ इसके बारे में पता चल सकता है, जो कि पर्टिकुलर जो इसको रिपेयर करता है वो भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, डिफाइन कर सकता है कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है और कहाँ यूज में आ रही है। फिलहाल आप इसे देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमें कर दीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर रिप्लाई नहीं हो सका तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।